हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन द मॉम क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन, और हैज़ 46 में लगा लीजिए आप मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट। सुर्खियों में रहा है लेबनान ने तैनात भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता, तो कहां पर तैनात है? लेबनान में। इसी के साथ बात करते हैं विस्तार से, और ये जो लेबनान है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और भारतीय जो बटालियन यहाँ पर क्यों जो तैनात है इस बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में लेबनान में तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। तो किससे संबंधित से जीता है? तो ये पर्यावरण से संबंधित जीता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल, जिसे यूनिफिल कहा जाता है, उसके तहत तो जो भारतीय जो सेना है, बटालियन है, वो तैनात है कहाँ पर? लेबनान में। यह पुरस्कार कचरा कम प्लास्टिक पुनः उपयोग ग्रीन हाउस तथा जैविक खाद के गड्ढे के उद्देश्य वाली एक परियोजना के लिए दिया गया। तो ये परियोजना से रिलेटिव है। अब यूनिफिल के तहत इस पुरस्कार की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में की गई। तो यूनिफिल के तहत ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर में की गई। इसका उद्देश्य मिशन के परिचालन क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी उपलब्धियों की पहचान करना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पुरस्कार। इसी के साथ बात करें यूनिफिल के बारे में, जिसे यूनाइटेड नेशन एंट्रीम फोर्स इन लेबनान कहा जाता है, यानी ये लेबनान की एक मुख्य फोर्स है। स्थापना पूछी जाए तो 19 मार्च 1978 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय पूछा जाए तो ये लेबनान है। मिशन पूछा जाए तो शांति स्थापना मिशन है। किसका? ये यूनिफिल का मिशन है। संबंधित संगठन पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित है कौन? यूनिफिल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित होती है, इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम UN कहते हैं, इसका वीडियो स्पेशल अपलोड किया गया है, अगर वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। तो उससे संबंधित है कौन? यूनिफिल। स्थापना पूछी जाए तो 19 मार्च 1978 के अंदर की गई, लेबनान में स्थित है, और शांति स्थापना मिशन के तहत भारत के जो ये जो सेना है इसने जीता है ये पुरस्कार। नेक्स्ट बात करिए लेबनान के बारे में। लेबनान जो कंट्री है इसकी राजधानी बैरूत है। सरकार पूछी जाए तो लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य सरकार है कहाँ पर? लेबनान में। राष्ट्रपति पूछे जाए तो मिशेल एउन है वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री पूछा जाए तो हसन दीब है वर्तमान प्रधानमंत्री। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 10,452 वर्ग किलोमीटर, यानी काफ़ी छोटी कंट्री है लेबनान। कितना क्षेत्रफल दे रखा है? 10,452 वर्ग किलोमीटर। मुद्रा पूछी जाए तो लेबनानी पाउंड वहाँ की मुद्रा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है लेबनान की राजधानी बैरूत और लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति मिशेल एउन, प्रधानमंत्री पूछा जाए तो हसन दीब। इसी के साथ कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, लेबनान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जो सेना है जो लेबनान में तैनात है उनको मिला है पर्यावरण संबंधित ये प्रथम पुरस्कार, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पुरस्कार, और ये यूनिफिल के तहत दिया जाता है, और यूनिफिल के बारे में हमने अध्ययन किया, जो कि लेबनान में स्थित है, यूनाइटेड नेशन एंट्रीम फोर्स इन लेबनान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिफिल आप ज़्यादा फोकस करें 19 मार्च 1978 में। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।